तो दोस्तों, कौन चाहता है अपने फ़ोन को एक कंप्यूटर फ़ोन बनाने में? तो कंप्यूटर भी काफ़ी महंगा होता है, तो कंप्यूटर तो आप खरीद नहीं सकते। विंडो 10 जो है ना, उसको इंजॉय करो अपने मोबाइल में, यानी विंडो 10 को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो। एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत ही आसान नहीं से अपने कंप्यूटर को इंजॉय करो। देखो बिल्कुल ही कंप्यूटर है तो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, कोई तरह का मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे करना है और क्या क्या करना है और क्या क्या फीचर है। और ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि ये क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। बिल्कुल कंप्यूटर स्लाइड की है और ये विंडो 10 है, विंडो 10 का इसमें है, ठीक है। बाकी तुम अगर आपके फोन इसके जो ऐप्स हैं यहाँ पर हैं, इसी तरह आप जो ऐप्स को घुमा कर आ भी सकते हैं, जो आपको नीचा है उसको करते हैं। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करना। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद, तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये देखो, ये मेरे फ़ोन का बिल्कुल जो है ना नॉर्मल, जो इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल में है। इसमें कोई भी इमुलेटर वगैरह नहीं है, तो अब अभी PTM लाइट इसका नाम है। तो इस तरह ऐप को ओपन कर लेना। जब ऐप को ओपन करोगे तो ये देखो, बिल्कुल आपका फ़ोन एक कंप्यूटर टाइप हो गया। और सपोज इसके अंदर है कंप्यूटर की तरह, आप इसको यूज़ करो, कोई इतना मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप चाहो तो इसमें थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह भी कर सकते हो, जैसे कि इस तरह की सेटिंग्स है। तो जो भी है सेटिंग आप करना चाहते हैं ऐप्स वगैरह की, हाइडिंग्स वगैरह की, तो आप कर सकते हो। और यहाँ से आप वीडियोज़ वगैरह भी कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना प्लीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ताकि आने जाते इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिले सॉफ्टवेयर के रिलेटेड।